हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स इंटर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी का 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए एन बराबर के बराबर 2n n अपॉन बराबर n स्क्वायर प्लस के 4 n कॉम्स नेचुरल नंबर, देन द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट है, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी, नाइदर बाउंडेड नॉट डाइवर्जेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो फिर इसको अगर सॉल्व करें सॉल्यूशन, अगर इसको हम देखें तो ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन को लिख सकते हैं आप एन के की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के। अब फिर जो के जो है एक देखे तो हमें पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर में अगर डिवाइड में हम कोई नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज उसको एन से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ इसको एन स्क्वायर से डिवाइड किया हमको तो 1/n आया, बट जब एन स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/n से कुछ छोटा नंबर आएगा। इसी तरह एन स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/n जो एन स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया इससे कुछ छोटा नंबर आएगा, यानी ये हमारे पास छोटा नंबर उठ जाएगा। अब हम करें लेट, इसमें से हम बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर यानी कि इस टर्म को हटा देते हैं, इस टर्म को हटा देते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। ये हो जाएगा एन लेस देन हमारे पास एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन टाइम है एन अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि के जो था वो एन तक जा रहा था। ये हो गया हमारे पास लेस देन 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट डॉट 1/n, तो ये हो गया लेस देन 1। अब फिर यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि ये सीरीज जो है हमारे पास बाउंडेड सीरीज है। ये तो हमारे पास पता चल गया कि यहाँ से ये बाउंडेड सीरीज है। अब हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो कन्वर्जेंट के लिए यहाँ पर सिंपली इसी सीरीज में अगर हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट लगा दें, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, तो ये सीरीज में एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n है ये सीरीज, और अगर पी ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन में, तो पी ग्रेटर देन 1 है, अगर हाइपर हार्मोनिक टेस्ट क्या कहता है, वो कहता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर पी कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें तो ये सीरीज हमारे पास n की वैल्यू जो है इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 में इस मार के, तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, यानी यहाँ से हमारे पास बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। ये हो गया बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।